हमारा एनटीए से एग्रीमेंट हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये जो एग्ज़ाम है हम अगस्त में कराएंगे, और हमने उनको कहा कि आप अपनी पूरी तैयारियां रखिए और अगस्त में ये कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि हमने 8 जुलाई तक जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल खोला हुआ है और 26,000 से ज़्यादा सिविल की और 6,000 पोस्टें पुलिस की हमने एडवर्टाइजमेंट करके कैंडिडेट से ये कहा है कि निकट भविष्य में ये भर्तियां होने जा रही हैं। जिन्होंने अभी भी सीएटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो कृपया 8 जुलाई तक कर लें और 15 जुलाई तक अपनी फीस कन्फर्मेशन भी कर लें, उसके बाद हम एनटीए को पूरा आंकड़ा देंगे कि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, और पूरा उसके बावजूद ही वो 15-16 के बाद हमारे को डेट बताएंगे अगस्त के उन किन डेटों में कर रहे हैं और कितनी शिफ्ट में कितने ज़िलों में और कितने केंद्रों में कर रहे हैं। ये एनटीए हमारे को 15-16 तारीख तक जो है वो डेट घोषित कर देगी। पुलिस को मिला के वो लगभग 32,000 पोस्टों की हमारे पास डिमांड विभिन्न डिपार्टमेंटों से आ गई है, और जो डी की है उसकी चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी 4-5 दिन पहले आपके संज्ञान में है मीटिंग ली थी, और जो सभी विभाग अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनको लिखा है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपनी डिमांड भेजें कि आपके पास डी क्लास के कितने पद रिक्त हैं, और मेरे को लगता है कि जुलाई मास में लगभग ये 30,000 पोस्टें डी क्लास की भी हमारे पास सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट से आ जाएंगे। वो 30 ये और 32 वो, लगभग एक साल में 60,000 पोस्टें अगेंस्ट हम भर्ती का अभियान छेड़ेंगे जैसे ही सीटी का रिजल्ट आता है, और हमारे पास सीटी के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे। डीवी हमने कम लोगों की करनी पड़ेगी तो इसका जो भर्ती की प्रक्रिया है ये भी एक तरह से स्पीड अप हो जाए।